आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी है, पुरानी वीडियो देखी है, सिलाई की देखी है, कटिंग की देखी है, तो इस बार फिर हम आपको सिलाई करने का तरीका बता रहे हैं। ये देखिए 12 इंच का पैंचा है ये, और ये 3.5 इंच का ये है चौड़ाई है, कैनवस लगा हुआ है जो हम कैनवस लगाएंगे इस पे। तो और ये हमने ये मार्जिंग दे रखी है, ये मार्जिंग बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं ये पैंचे की जो है ये नेफा है, जहाँ वो सॉरी ये म्यानी की जगह है जहाँ म्यानी लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक म्यानी लगाएंगे, तो हम आपको आप सिलाई करके दिखाते हैं किस तरह से सिलाई की जाती है, और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिलाई करना सिखाते हैं। और दोस्तों ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, देखिए ये भी मार्जिंग दी जाती है इसमें, और ऊपर से हमको नेफा बनाना है, डोरी डालने वाला नेफा है। दोस्तों तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए आप कि उसमें दिक्कत क्या है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बेल्ट सिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेल्ट है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बेल्ट बनाना सिखाएंगे। थोड़ा सा छोड़ देंगे डोरी के लिए। तो ये बेल्ट है, जैसा पिछली वीडियो में आपने हमारी वीडियो को देखा था बेल्ट किस तरह से बनाया जाता है, तो वही टिप्स फिर बता रहे हैं आपको हम। कोई नई चीज़ नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। और अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बेल्ट में पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है। अक्सर आप मोबाइल वोबाइल रखते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पॉकेट में जो है सॉरी बेल्ट में पॉकेट कैसे लगाई जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। 2-3 टिप्स में बताएंगे, चेन लगा के भी और कई तरह से बताएंगे। तो ये हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ये हमारा बेल्ट लगभग कंप्लीट होता जा रहा है, और ये नेफा है, ये नेफा जिसमें डोरी डाली जाती है। अक्सर इसमें लास्टिक भी लोग लगा देते हैं, तो लास्टिक वाला भी मैं आपको बताएंगे। पहले आप ये देखिए, ये नेफा है। दोस्तों सारी सलवारें ऐसे ही सिली जाएंगी, चाहे पटियाला हो, अफगानी हो, सेमी पटियाला हो, सारी सलवार ऐसे ही बनाई जाती है, सारे बेल्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखिए हमारा ये बेल्ट हो गया है कंप्लीट, ये आगे का पोर्शन है, और ये हम म्यानी काट रहे हैं। देखिए म्यानी का भी एक रेशियो होता है, बहुत बड़ी भी ना हो जाए, बहुत छोटी भी ना हो जाए, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक अपना रेशियो बना लीजिए, साइज के हिसाब से काट दीजिए। म्यानी हमारी कट गई है, अब हम एक ही पैचे में दोनों म्यानी लगाएंगे। ये हमने म्यानी लगाई है, जहाँ से 10 इंच हम निकालते हैं, जैसा कि आप हमारी कटिंग वाला वीडियो देखे होंगे, 10 इंच जो निकालते हैं उस 10 इंच पे ही म्यानी लगाएंगे। ये हमने म्यानी लगा दी, और ये दूसरे पैचे पर, मतलब उसी पैचे में दूसरे हिस्से में हम म्यानी लगाएंगे। ये देखिए, म्यानी हमारी हो गई कंप्लीट, अब दोनों म्यानी कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों पैचा रख के एक पे एक सिल देंगे। ये हम नीचे रखेंगे, और जो दूसरा वाला लेफ्ट वाला या राइट वाला जो पैचा है उसको हम इस म्यानी पे रख कर सिलेंगे। ये हो गया हमारा पैचा कंप्लीट। अब हम दूसरा स्टेप ये है कि हम चुन्नट लगाएंगे। पहले हम बैग में दो चुन्नट लगाएंगे। ये बैग वाला पल्ला है, बैग वाला जहाँ म्यानी लगाई है उसके बीच सेंटर में हम चुन्नट लगाएंगे। ये हमारा चुन्नट कंप्लीट। अब हम फ्रंट में चुन्नट लगाएंगे, एक तरफा चुन्नट लगाएंगे, एक वन साइड एंड दूसरी तरफ से सेकंड लार्जेस्ट में दूसरा फेज में हम इधर से एक चुन्नट लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हम इस तरह से लगा रहे हैं, अपने आगे की तरफ से चुन्नट लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए लगा रहे हैं चुन्नट, ऐसा नहीं है कि बेल्ट पहले नाप लीजिए और पूरा पैंचा नाप लीजिए, जहाँ तक लगाना है वहाँ तक आप लगाइए। अभी देखिए सेकेंड फेज लगा रहे हैं हम दूसरी तरफ से चुन्नट, जैसे बोलते हैं ताल पाट करके लगाया जाता है, उस तरह से ये हमने चुन्नट कम्प्लीट कर दिया है।
अब आप बेल्ट पे रखकर इसको नापेंगे कि कितनी हमारी चौड़ाई बढ़ रही है। तो चौड़ाई नहीं बढ़ रही है तो हम बीचों बीच रखकर इसको, इस पैंचे को और बेल्ट को रखकर सिल देंगे, या पीछे से हम सिलेंगे इसको। ये बैक वाला देखिए हिस्सा है जहाँ हमने चुन्नट लगाई है, बीच सेंटर में, मियानी के बीच सेंटर में हम लगाया, और ये पीछे से उठा के हम पैंचे को मियानी के वाले हिस्से में हम जोड़ेंगे। अब सीधा सिलाई करते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल सीधा सिलाई चला देंगे, पूरा सिलाई चलाएंगे आप, डायरेक्ट वो जाके दूसरे स्टेप में वो पूरा हो जाएगा, फिर आपकी आधे से ज़्यादा सलवार तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा और नई वीडियो मिलेगी। ये हम देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कंप्लीट है बिल्कुल, बेल्ट लगा के। अभी हमने पैंचा नीचे की बॉटम नहीं बनाई है, देखिए पीछे का हिस्सा ये है, अभी है हम 3 इंच का पैंचा ले रहे हैं, नीचे बॉटम पे 3 इंच का कैनवस लगाएंगे और 3 इंच की पट्टी भी काटेंगे, थोड़ा मार्जिन देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बस देखते रहिएगा, आप देखेंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ये पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा पूरा सलवार, स्किप मत करिएगा, ये लगभग कंप्लीट होता जा रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों, अब हम पैंचे पे रख के इसको उल्टा सिलेंगे, सीधा रखकर उल्टा पलट देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीधा पल्ला हमने रखा है, नीचे वाला और ऊपर वाला उल्टा रखा है, तो इसको हम सिलेंगे। अब हम पलट देंगे इसको, पलट देंगे नीचे की तरफ कर देंगे और फिर एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। अब आप इस पर डिज़ाइन बनाइए, फूल बनाइए या कुछ भी बनाइए, या 4, 6, 7, 10 जो भी सिलाई करना है आप इस पर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन पसंद करते हैं उस पर। हमने सादा सादा सिलाई दो गोल गोल करके हम बना देना है इस पर, ताकि पैंचे का रुख पता चले यही पैंचा है। अब इस पर हम गोल वाले डिज़ाइन बनाएंगे, दोनों पैंचे सिलेंगे। अब आप जितनी सिलाइयाँ मारना चाहें आप मार सकते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए हमारी। ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, आप इसमें गोल गोल करके डिज़ाइन बना सकते हैं, छोटा छोटा करके स्टेप में इसका। ये देखिए जैसा कि हम देख, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसमें बड़ा सा डिज़ाइन जो बीच वाले सेंटर में, उसमें बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं, आप इतना भी डिज़ाइन बना लें। तो हमने ऐसे ही रफली बता दिया आपको कि ऐसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, और आइंदा जो आप सलवार बनाएं तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। हमारी और भी वीडियो पीछे जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पीछे नीचे बहुत सारी वीडियो हैं, अफगानी सलवार की हैं, पटियाला सलवार की हैं, ज़्यादा घेरे वाली हैं, बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमारी सलवार हो गई है कि कम्प्लीट, अब हमको सिर्फ बॉटम पर सिलाई लगानी है, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले बॉटम पर सिलाई लगानी है। लगभग लगभग पूरी सलवार हो गई कम्प्लीट, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हम आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और हम आपको सीधा करके ये दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई सलवार, लगभग लगभग पूरी आगे चुन्नट करके, ये देखिए चुन्नट एक तरफा हमने बताया था ना स्टेप, ये 1 फेज और 2 फेज में एक ऐसे चुन्नट लगाएंगे, एक मुहाने या दूसरे मुहाने पर, और ये दो सिलाइयाँ हैं, बीच में ये नेपा हमने बनाया है डोरी डालने के लिए, और ये पैंचा हो गया। ये देखिए पैंचे की सिलाई है, सलवार हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आप घर बैठे आप आराम से सलवार बना सकते हैं, कोई भी सलवार बना सकते हैं, अफगानी हो, पटियाला हो, सेमी पटियाला हो, सादा सलवार हो, कोई भी सलवार बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।